सब्सक्राइब कीजिए एमएस टेक स्कूल और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लाइफ हैक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी एक सीआरटी टीवी को ठीक करने वाला हूं जो कि करीब 22 इंच की है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन दोनों के दोनों ही अच्छी तरह से जल चुके हैं, यानी कि यह बनाया नहीं जा सकता इन्हें, और अगर ये बनाते भी हैं तो करीब 700-800 रुपये के आसपास का खर्च आएगा, जिसमें अगर हम चाहें तो नई किट भी डाल सकते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं कि इसमें एक नई किट डालेंगे। किट इसी को बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसी को किट बोलते हैं, और इसके सभी वायरिंग को अलग करके और इसमें नई किट कैसे इंस्टॉल किया जाता है आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो एक एक करके आपको इसके सभी कनेक्शन को अलग करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ये सीआरटी टीवी का है, इसको आप अलग कर लीजिए जो कि पावर पहुँचाता है इसके कॉयल्स में, और फिर यहाँ पर आ जाइए तो आपको ये मिल जाएगा देखने को। आप इसे भी अलग कर दें, हाँ थोड़ा सावधानी से, क्योंकि यहाँ पे कुछ पिंस होती हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर होती हैं और इनके टूटने का डर होता है, तो इसे बहुत ही आराम से निकाल लें। और आपको पता ही होगा कि सबसे ख़तरनाक चीज़ जो कि पिक्चर ट्यूब में होती है वो है 14,000 का वोल्टेज, और वो आपको यहाँ मिलता है इस सेक्शन में, और ये चार्ज होता है, तो आपको इसे डिस्चार्ज करना होगा। डिस्चार्ज करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। पिक्चर ट्यूब को डिस्चार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऐसे दो पेचकस चाहिए होंगे और एक वायर, जिससे आप इसे शॉर्ट सर्किट करके डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे इसमें गिरो लिया और इस वायर कनेक्शन को पिक्चर ट्यूब के वायरिंग के माइनस पोल पर सेव करना है, लगाना है। तो आपको माइनस पोल यहाँ पर मिल जाएगा, ये पिक्चर ट्यूब के यहाँ पर, ये आपको इसे यहाँ पे लगा लेना है और फिर आ करके इस पिक्चर ट्यूब को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के लिए आपको देख रहे हैं इस पेचकस का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर इस नए वाले बड़े पेचकस का इस्तेमाल करके आपको इसमें लगा देना है अंदर इस तरह से, और यहाँ से इसको दोनों ही शॉर्ट कर लेना है। शॉर्ट करने से एक स्पार्क होगा, वैसे तो ये अभी डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो ये शायद चार्ज हो सकता है, तो सावधान रहिए। 14,000 वोल्ट होता है इसमें है। डिस्चार्ज कर लेने के बाद आप इसका ये प्लग निकाल सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। आप इसे यहाँ से बड़े प्यार से निकाल लीजिए और अलग कर लीजिए। फिर इसमें आप पाएंगे कि पुरानी जो टीवी की किट है इसमें कुछ स्पीकर के कनेक्शन और भी कुछ कनेक्शंस होंगे, उन्हें आप निकाल लीजिए, जो कि कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये स्पीकर से कनेक्शन है इसके, तो आप इन्हें भी निकाल लीजिए इसके सर्किट बोर्ड से, ताकि जब आप किट बदलने लगें तो ये बाहर आ सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी तरह से ये किट निकल चुकी है, लेकिन सिर्फ एक योक कॉइल वाली ये कनेक्शन बचा हुआ है, तो इस योक कॉइल के कनेक्शन को भी मैंने बाहर निकाल लिया है और अब मैं ये किट हटाने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान रहे कि पिक्चर ट्यूब के माइनस यानी कि ग्राउंड से एक कनेक्शन आता है आपके योक कॉइल के पीछे वाले हिस्से में, जो कि कलर कोड होता है, जो कि आपके पिक्चर ट्यूब के कलर को संभालता है। तो आप इसे भी अलग कर लीजिए, क्योंकि बिना इसके ये दूर नहीं जाएगा सर्किट बोर्ड से, और इसे निकालना भी ज़रूरी है। तो आइए मैं अभी इसे हटा देता हूँ और आपको नई किट दिखा देता हूँ। नई पिक्चर की जो इसकी किट आती है वो इसमें है, और मैंने इसे यहाँ से लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है। इसे ग्रीस कहते हैं, जो कि यहाँ पर पिक्चर ट्यूब के ऊपर यहाँ पर रेड कलर का ये लगा हुआ है यहाँ पर, ताकि ये मॉइस्चर को बचाए रखे, दूर रखे बरसात में या फिर ठंडे के दिनों में। सर्किट बोर्ड है, इसके साथ आपको एक रिमोट मिलता है, आपको अलग से रिमोट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ आपको कुछ कनेक्शंस मिलेंगे, पूरा
ये ऑडियो वीडियो के आउटपुट के लिए दिया गया है, आप इसे बाहर से ख़रीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इस किट के साथ नहीं मिलती। ये है वो सर्किट बोर्ड टीवी की किट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये 18 से लेके 22 इंच के किसी भी टीवी के किसी भी सीआरटी टीवी में ये फिट हो सकता है। तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सीआरटी टीवी 18 इंच का है या फिर 22 इंच का। यहाँ पर कुछ वायरिंग्स दी गई हैं जो अभी वायरिंग करने के टाइम पर काम आएंगी। इसमें से कुछ वायरिंग ऐसी हैं जो कि सामने के वॉल्यूम को, चैनल को और पावर ऑन ऑफ को कंट्रोल करता है, और इसी में IR रिसीवर भी होता है। ये देख लेते हैं, ये ऑडियो वीडियो आउटपुट का केबल है, इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। फिर ये सामने वाले पैनल का है जहाँ पर आप मेनू चूज़ करते हैं या फिर वॉल्यूम और चैनल को आगे पीछे करते हैं। तो ये भी अभी काम का नहीं है, मैं इसे बाद में यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पे आते हैं, ये योक कॉइल पर जाता है, योक कॉइल पर, जो कि उसको बताता है कि आपको कौन सा कनेक्शन कब लेना है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ये अलग करता है। ऐसे कुछ वायरिंग्स हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। बाकी कुछ खास इसमें यानी ये पावर के लिए है। अब आते हैं इसे कनेक्शंस पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वो हिस्सा है जो कि हमारे पिक्चर ट्यूब के पीछे वाले हिस्से पर फिट होता है, तो मैं इसे बाद में फिट करूंगा। और ये रहा हमारा वो पिक्चर ट्यूब की नोजल, जिसे हम अपने पिक्चर ट्यूब पर लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्ज होता है। फिलहाल तो ये चार्ज नहीं होगा क्योंकि नया है ये, लेकिन पुराना होने पर या निकालते वक्त ये आपको चार्ज मिल सकता है। तो चलिए फिर इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो रेड कलर का ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था, आपको इसे निकालना पड़ेगा। इस हिस्से को आपको स्क्रैच करके निकाल लेना है। तो मैं स्क्रैच कर लेता हूँ और उसके बाद ही इस वीडियो को फिर से प्ले करता हूँ। दोस्तों STR को लगाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ के कनेक्शंस के बारे में बता देता हूँ कि आप इसके बारे में भी कुछ जान लें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये वाला जो है सामने वाले IR रिसीवर्स के लिए है, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ इनके लिए है। इसमें से एक मेनू और चैनल और वॉल्यूम के लिए होता है, और एक जो है IR रिसीवर्स के लिए होता है। फिर आते हैं यहाँ पर ये दो कनेक्शंस के ऊपर। ये कनेक्शंस हैं दोनों टीवी के स्क्रीन वो स्पीकर के लिए हैं। तो ये दोनों स्पीकर्स के लिए हैं, जो कि आपको दिखा सकते हैं स्पीकर्स का कनेक्शन यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर आते हैं इस हिस्से पर, ये हिस्सा यहाँ पर ये ऑडियो वीडियो आउटपुट देता है, यानी टीवी के बाहर ऑडियो वीडियो आउटपुट या इनपुट देता है ये। तो इसे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं इन कॉइल्स पर, इन वायरिंग्स पर जो है योक कॉइल के कनेक्शंस होते हैं। योक कॉइल किसे कहते हैं? योक कॉइल आपको ये इस हिस्से को योक कॉइल कहते हैं दोस्तों, जिसे आप कनेक्ट करेंगे सर्किट बोर्ड के नीचे यहाँ पर इस हिस्से पर, ताकि पिक्चर ट्यूब में ये बताया जा सके कि हाँ पिक्चर ट्यूब में वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कितनी स्क्रीन आ रही है, कितनी स्क्रीन बाहर निकल जा रही है। तो आइए अब इसे फिट कर लेते हैं, और इसे फिट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस सीलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सीलेंट यानी एक तरह का ग्रीस है, जो कि बाद में सूख करके थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके टीवी में हल्की सी करकराहट की या चरचराहट की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है टीवी में। तो आप इसको यूज़ करते हैं ताकि आपके टीवी में एक्स्ट्रा आवाज़ ना हो। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, अभी ये पूरी तरह से बंद है। आइए अब इसे वहाँ पर लगा करके अपने STR को कनेक्ट कर देते हैं। STR पर कनेक्ट करने के लिए आपको ये इस जगह को थोड़ा साफ करना पड़ेगा। आप इसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए। फिर आते हैं इस चीज पर, ये इन सभी चीजों पर। इस क्रीज को आपको यहां पर लगाना होगा,
आप इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए। ये ग्रीस पूरी तरह से लग चुका है, तो अब मैं इसे अपने ये मॉइस्चर्स को रोकते हैं, यानी कि बरसात में इसको लगाने का तरीका मॉइस्चर अंदर ना जाने पाए, इसलिए इसको अंदर जाकर के फिट हो जाता है। इस्तेमाल अच्छी तरह से कर लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये 10 रुपए का ही है, तो आप इसमें कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, इसको पूरा का पूरा इसी पर यूज़ कर लीजिए, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से घुस जाए, इस तरह से। ये यहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब ये कुछ देर में सूख करके ये हार्ड हो जाएगा, और आपको ये जो ये मॉइस्चर ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये थोड़ा सूख जाएगा। अब आते हैं इसके योक कॉइल्स के कनेक्शंस के ऊपर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।